तो भगवान कमोड में नहीं है, बाथरूम में नहीं है, नदी तालाबों में नहीं है, कहाँ नहीं है भगवान? हर स्थान पे। बल्कि आपको सत्य बताता हूं कि कृष्ण ने भी यही बात कही थी और शास्त्रों में भी यही लिखा है कि कण कण में भगवान, यानी कि आप उसको अपने जूते चप्पल और सीवर और कमोड वगैरह तो छोड़िए, हर कण में, हर अणु में, परमाणु में, हर स्ट्रिंग में कहाँ नहीं है भगवान? इसलिए तो खंभा फाड़ के नरसिंह निकले थे ना, प्रहलाद ने कहा था ना कि हर जगह है। तो हमारी कहानियां, हमारी जो सच्ची कथाएं हैं, इतिहास, कहानियों से ज्यादा उसे इतिहास कहना बेहतर होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो ये बताता है कि भगवान हर स्थान पे है। बल्कि ये भी आपको ब्यौरा मिल जाएगा कि क्योंकि भगवान कण कण में है, कृष्ण ने भी यही कहा था कि कण कण में है, इसी वजह से ये सृष्टि जो जिस रूप में है, दीवारें दीवारें हैं, जमीन जमीन है, फर्श फर्श है, अलमारी अलमारी है, मनुष्य मनुष्य हैं, जानवर जानवर हैं, जो भी जिसका जैसा भी जो भी आकार है, वो उसी वजह से है कि कण कण में भगवान है। नहीं तो सब प्रलय नहीं हो जाती, सब कुछ अदला बदली नहीं हो जाता, उलट पलट नहीं हो जाता, ये सब आकार में कैसे रहते? ये सभी शक्तियों से तो निर्मित है। जिसको आप पंच तत्व बोलते हैं, वास्तविकता में मात्र पंच तत्व नहीं, ये कई शक्तियों के मिश्रण से हर एक वस्तु बनती है, मनुष्य बनता है, जानवर बनते हैं, कोई भी जीव बनता है, संसार बनता है, ये कई शक्तियों का मिश्रण है। इसलिए हर एक वस्तु का, हर एक चीज का, पूरे संसार का, हर एक जानवर का, हर एक जीव का एक अपना ऊर्जा चक्र होता है, आभा मंडल होता है, एनर्जी फील्ड होता है, क्योंकि वो कई शक्तियों से मिलके वो वस्तु या वो व्यक्ति बना होता है, संसार बना होता है, इसलिए उनका आभा मंडल होता है। आभा मंडल देखने के कई तरीके हैं, वो आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा। वृक्षों का भी आप आभा मंडल देख सकते हैं। अगर आप वृक्ष के पत्तों से थोड़ी सी दूरी पर देखेंगे, पत्तों की तरफ ना देखें, तो आपको वृक्ष का आभा मंडल उसके पत्तों के आकार का ऐसे चारों तरफ से सराउंड किया हुआ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। और महाभारत का युद्ध खड़ाऊ पहन के नहीं हुआ था, ये भी समझिए। और कृष्ण और राम से, शिव से जो भी लोग मिलने जाते थे, वो चप्पल जूते उतार के नहीं जाते थे, उनका परिवार चप्पल जूते पहने उनके पास उपस्थित रहता था।